बनाने और इसके तवस्सुत से रुपए के लेन देन से जुड़ा है ये पूरा मामला। तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का घपला मामला है, ईडी का जम्मू कश्मीर में छापा पड़ रहा है, श्रीनगर और पटन में छापेमारी हुई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर शंकर आनंद। शंकर, क्या तफसीलात मिल रही है इसकी? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सात इस वक्त में 5 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि जो इलाके की अगर बात करें तो श्रीनगर और पाटन इलाके में ये 5 लोकेशन है जहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी को यह पता चला था कि तकरीबन 250 ऐसे संदिग्ध बैंक अकाउंट बनाए गए और उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया जी, तो इस मामले में ये जो मामला है ये मामला साल 2022 में सामने आया था और उस वक्त में सीबीआई के द्वारा सबसे पहले केस को रजिस्टर किया गया था। बाद में इसी केस को अब ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और ईडी अब इस मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और जिस तरह से अगर पैसे का लेन देन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक से जुड़ा हुआ एक घोटाला मामला है और जिस तरह से पैसों का लेन देन और संदिग्ध जो ट्रांजेक्शन हुए थे वो साल 2014 से लेकर 2018 के बीच में हुए थे। और जिस तरह से इस मामले में ये भी जानकारी सामने आई थी कि बैंक के तत्कालीन शाखा प्रमुख इश्तियाक अहमद पारे और निजी पार्टियों के साथ मिलकर के फर्जी वाहन पंजीकरण दस्तावेजों के आधार पर गैर मौजूद उधारकर्ताओं के पक्ष में करोड़ रुपए के कार जुड़ा हुआ जो लोन है वो स्वीकृत किया गया था। और उसके बाद तकरीबन 250 अकाउंट भेजे थे जो अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। तो 250 अकाउंट्स जो हैं उसका संबंध किन किन आरोपियों के साथ में है अब इसको खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ कई बड़े खुलासे इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक घोटाला मामला सामने आया था और सीबीआई की एसीबी के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जाए तो वहीं अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ईडी की अब एंट्री हो चुकी है और इस मामले में जल्द ही कई आरोपियों से पूछताछ की जाएगी जी। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद ने हमें बताया कि किस तरह से इस वक्त छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक घपला मामले में। ईडी का जम्मू कश्मीर में छापा, श्रीनगर और पटन में छापेमारी, मुश्तबा बैंक अकाउंट बनाने में और इसके तवस्सुत से रुपए के लेन देन से जुड़ा है पूरा मामला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक घपला मामला, ईडी का जम्मू कश्मीर में छापा, श्रीनगर और पटन में छापेमारी जारी है, मुश्तबा बैंक अकाउंट यानी सस्पेक्टेड बैंक अकाउंट्स बनाने और इसके तवस्सुत से रुपए के लेन देन से ये मामला जुड़ा है।